मूवी स्टार्ट होते ही हम एक पार्क में एक कॉलेज स्टूडेंट वेंडी को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड केविन और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ वहां पर आई थी। वहां पर उनके बाकी क्लास फेलोज भी थे। वेंडी जो कि अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स बना रही होती है और वहां पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। जब वो पिक्चर्स ले रही होती है तब वहां पर लिखे हुए वर्ड्स हाई डाइव में से लेटर वी ऑफ हो जाता है जो उस वर्ड्स को बना देता है हाई डाई। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पिक्चर्स कैप्चर करती रहती है। सब लोगों की पिक्चर लेने के बाद वो लोग रोलर कोस्टर पर जाते हैं और उस रोलर कोस्टर का नाम था डेविल फ्लाइट और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेविल भी बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। वेंडी अपने फ्रेंड्स के कहने पर रोलर कोस्टर पर चली जाती है लेकिन वो उसे राइड करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कुछ अजीब फील कर रही थी कि शायद कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने एक फ्रेंड के कहने पर एग्री हो जाती। अपने उस फ्रेंड के साथ वेंडी को फ्रंट सीट मिली थी लेकिन वो सबसे आगे बैठना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से वो पिछली सीट पर चली जाती है जहाँ पर पिछली सीट पर उसके साथ केविन बैठा हुआ था। वेंडी अपने कैमरा से पिक्चर बनाने लगती है तभी एक सिक्योरिटी मैन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि कैमरास अलाउड नहीं है। ये सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता। केविन के सामने वाली सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी जो कि उसके हाथ से चिपक जाती है और उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में भी कुछ खराबी हो गई थी लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके स्टार्ट होते ही उनका एक फ्रेंड अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता लेकिन जैसे ही एक लॉन्ग टर्न लिया जाता है कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे वाले ट्रैक पर जाकर अटक जाता है और जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तब उसके सारे हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाते हैं और ऐसा होते ही उन सब के हार्नेसेस खुल जाते हैं और रोलर कोस्टर के व्हील्स भी निकलने लगते हैं। रोलर कोस्टर के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से अगला कैरेज ट्रैक से नीचे उतर जाता है और नीचे गिर जाता है जिसमें वेंडी के दो फ्रेंड बैठे हुए थे और तभी एक और लॉन्ग टर्न की वजह से उनका एक फ्रेंड भी मरने वाला होता है और केविन उसे बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो रोलर कोस्टर एक काफी लॉन्ग टर्न लेने की वजह से बीच में ही रुक जाता है जिसकी वजह से उनके दो फ्रेंड्स नीचे गिर जाते हैं और वहां पर सिर्फ वेंडी और केविन ही रह गए थे। वो किसी तरह उस कार्ट को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो कैरिज भी ट्रैक से उतर जाती है और वेंडी भी मर जाती है। और तभी फौरन वेंडी सेंसेस में वापिस आ जाती है यानी वो उसका एक नाइटमेयर था जो वो देख रही थी। वो अभी भी रोलर कोस्टर में ही बैठी होती है और वही सिक्योरिटी मैन उसके पास खड़ा होता है जो उसे कैमरा यूज करने से मना कर रहा था अब क्योंकि उसने काफी बुरा ख्वाब देखा था तो वो काफी डर जाती है। और तभी वो देखती है कि केविन के हाथ पर च्युइंगम चिपक गई है और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि उसने अपनी नाइटमेयर में देखा। यहां पर वेंडी को रियलाइज हो जाता है कि उसने फ्यूचर देख लिया है। अब फ्यूचर काफी डरावना होने की वजह से वो काफी घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा। वो ये भी बता देती है कि हाइड्रोलिक्स भी खत्म हो जाएंगे और ट्रैक्स भी टूट जाएंगे। उसके पैनिक कर जाने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैनेजमेंट एक कार के हार्नेसेस को खोल देती है जिसमें उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं लेकिन एक दूसरा कैरेज अभी भी लॉक्ड था और काफी ट्राई करने के बावजूद भी उसके दो फ्रेंड्स वहां से नहीं उतर पाते। उन लोगों को बाहर निकाल देने के बाद रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। तब वेंडी अपने फ्रेंड्स के लिए वहां पर आती है और रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए कहती है लेकिन वो लोग फिर से उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वेंडी जानती थी कि उसके दोनों फ्रेंड्स मरने वाले हैं लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो रोलर कोस्टर को देख रही होती है और वही होता है जैसा कि उसने देखा था। उसकी आंखों के सामने ही वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है और उसके दो क्लोज फ्रेंड्स की उसकी आंखों के सामने ही डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से वेंडी काफी अपसेट हो जाती है और वो उस टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाने से पहले वेंडी अपने स्कूल में जाती है जहाँ पर वो केविन से मिलती है लेकिन वो उसे ज्यादा बात नहीं करती। वो उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे प्लेन क्रैश होने की बात बताता है। केविन उसे बताता है कि जैसा उसके साथ हुआ है यानी उसने फ्यूचर देख लिया है ऐसा इससे पहले भी किसी के साथ हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट की वजह से बचे थे बाद में वो बहुत बुरी मौत से मर गए और डेथ ने उन्हें उसी पैटर्न में बेदर्दी से मारा जिस पैटर्न में उन्होंने मरना था। और वो डेथ का सारा प्रोसीजर बताता है कि अगर डेथ किसी को स्किप कर देती है तो वो नेक्स्ट पर चली जाती है। वो वेंडी को काफी समझा देता है लेकिन वेंडी इस बात को सिर्फ एक प्रैंक समझकर वहां से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी सिस्टर का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है क्योंकि इस वक्त उसे गुड लक की काफी जरूरत थी। वो अकेली थी और किसी दूसरे अनजान जगह पर जा रही थी। वो उस कैमरा में उस दिन की पिक्चर देखने लगती है जब वो पार्क गई थी। उन पिक्चर्स में वो एक चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि उसका वो फ्रेंड जो कि अब मर चुका है उसने डेविल के पोज में एक पिक्चर बनाई थी और उसके पीछे रोलर कोस्टर की पिक्चर भी आ गई थी जो कि क्रैश हो रहा था और उसकी डेथ भी रोलर कोस्टर के
क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। इसके बाद वेंडी अपने बाकी फ्रेंड्स की पिक्चर्स को चेक करती है, वहाँ पर उसे दो फीमेल फ्रेंड्स की पिक्चर मिलती है, लेकिन उस पिक्चर में उसे उनकी डेथ का कोई भी क्लू नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी उन्हें कॉल कर देती। लेकिन वो दोनों कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो एक टैनिंग सैलून में गई हुई थी। वहाँ पर वो एक गड़बड़ कर देती है, वो उन टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर खुद ही सेट करके उसमें लेट जाती है, और उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है कि उस मशीन के स्टेबलाइजर पर वो ड्रिंक रख देती है। वो ड्रिंक उस स्टेबलाइजर में गिर जाती है जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वोल्टेज अपने आप ही बढ़ने लगती है, और वोल्टेज के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था जिसे अब वो दोनों भी फील करने लगी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी एक वुडन प्लैंक नीचे गिर जाता है और उन दोनों के बेड्स के बीच में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो बेड्स नहीं खुल रहे थे और वो दोनों अंदर ही फंस गई थी। बेड के अंदर के ग्लासेस भी टूट चुके थे और उनकी स्किन अब काफी हद तक जलने लगी थी, और जब टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है तब उन बेड्स में आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाती है और एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी मौत हो जाती है। इन दोनों गर्ल्स की पिक्चर में उनकी डेथ का क्लू छुपा हुआ था, और वो ये था, उन दोनों के बीच में एक ट्री था जिस पर येलो कलर की लाइट्स लगी हुई थी, और मरते वक्त भी उन दोनों के बेड्स के बीच में एक वुडन प्लैंक फंस गया था और आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। और यहाँ पर ये चीज इस बात को वाजिया जाहिर कर रही थी कि उन दोनों की जलने की वजह से ही मौत होनी थी। उन दोनों लड़कियों की मौत के बाद वेंडी को बिलीव हो चुका था कि डेथ उनके आसपास ही है। वो इस बात को केविन से शेयर करती है और सेकंड पार्ट में होने वाले एक्सीडेंट की एक पिक्चर को उसके साथ शेयर भी करती है। वो केविन को बताती है कि जो पिक्चर्स उसने पार्क में ली थी उनमें सभी सर्वाइवर्स की डेथ का क्लू छुपा हुआ है, और यहाँ पर केविन भी उसकी बात पर बिलीव कर लेता है। और तब वो अपने सीटिंग अरेंज को चेक करके ये पता लगवा लेते हैं कि अगली बारी किसकी है। वो अपनी कार में होते हैं और अपने उस फ्रेंड की पिक्चर को देख रहे होते हैं जिसकी अगली बारी थी, लेकिन वो पिक्चर देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी एक ट्रक रिवर्स करते हुए बिल्कुल उनकी कार से चिपक जाता है, और तभी वो देखते हैं कि एक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, वो कार के अंदर ही फंस गए थे और ट्रक भी उनके करीब आ रहा था। तभी केविन कार के सामने वाले ग्लास को तोड़कर बिल्कुल ठीक वक्त पर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस ट्रक की वजह से उनकी कार का अगला वाला आदमी मारा जाता है, और वो कोई और नहीं था बल्कि उनका वही फ्रेंड था जिसकी अब डेथ की बारी थी, और उसकी डेथ ट्रक के मोटर फैन सर में घुस जाने की वजह से हो गई थी। यहाँ पर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि उसकी पिक्चर में उसकी डेथ का इस तरह का कोई क्लू था ही नहीं। तब वो उसकी एक दूसरी पिक्चर देखते हैं जिसमें उनका वही फ्रेंड था जिसकी अभी डेथ हुई थी, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो मर गए। वो फिर से पता लगवाते हैं कि अगली बारी किसकी है। अब जिसकी होती है उस पिक्चर में उसका सर नजर नहीं आ रहा होता। अब जाहिर है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो वो दोनों उसके पास ही पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसे ये सब बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं था और वो इन सब बातों को फजूल समझ रहा था। लेकिन वेंडी को वहाँ पर उसकी डेथ के सिग्नल नजर आ रहे थे। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तभी दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनके फ्रेंड को कुछ नहीं होता, और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की बात ना मानने की वजह से वो भी मारा जाता। अब उसकी पिक्चर में उसका सर नजर इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसने इसी तरीके से मरना था। अब अगली बारी जिन दो फ्रेंड्स की थी वो एक स्टोर पर काम करते थे। तब वेंडी और केविन उन दोनों से मिलने वहीं पर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की पिक्चर को देखकर भी वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे मरेंगे। लेकिन वेंडी बिल्कुल ठीक वक्त पर ये पता लगवा लेती है कि उनका फ्रेंड ऊपर से स्पाइक गिरने की वजह से ही मरेगा, और वो उसे सेव भी कर लेते। अब क्योंकि उन्होंने डेथ के प्लान को चीट कर दिया था, तो जाहिर है डेथ ने अगले की तरफ मूव कर जाना था, और वो उसकी फ्रेंड थी जो कि एक नेल गन की वजह से मारी जाती है। और यहाँ पर अब उस पिक्चर की भी समझ आ रही थी, यानी स्पाइक्स का मतलब है कि उस पिक्चर में उसके ऊपर स्पाइक्स थी जिस पर किल लिखा हुआ था। अपनी फ्रेंड की डेथ होने की वजह से उनका वो फ्रेंड पुलिस को उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देता। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो पुलिस उन्हें छोड़ देती। अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि अगला कौन है, क्योंकि जो उनके आगे बैठे हुए थे उन लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही वेंडी को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर उसके पास से वो गुड लक ब्रेसलेट ले जाती, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। जब वेंडी की आंख खुलती है तब अपने सामने वो एक पिक्चर को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उनसे अगली सीट पर उसकी सिस्टर और उसकी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी अब उसकी सिस्टर की बारी थी। तब जल्दी से वेंडी केविन को कॉल कर देती है जो कि उसी फेस्टिवल में। केविन वेंडी को कहता है कि वो फेस्टिवल में आने से पहले अपनी पिक्चर्स भी देख ले कि डेथ
ने उनके लिए कौन सा प्लान सेट किया हुआ ताकि वो देखकर उन्हें अंदाजा हो जाए। तब वैंडी पहले अपनी पिक्चर देखती है जिसमें उसे कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन वैंडी की शर्ट पर मिकिनली लिखा हुआ था जिससे वो समझ जाती है कि उनका फ्रेंड एन मिकिनली उसे मारने वाला है। तब वो केविन की पिक्चर देखती है लेकिन उसे वहां पर भी कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन वो समझ जाती है कि उस पर फायरवर्क्स चलेंगे और अब उन दोनों को अपनी अपनी डेथ का पता चल गया। वैंडी जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है और तभी उसकी कार का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। तब वैंडी देखती है तो उसे पता चलता है कि इयान उसका पीछा कर रहा है और तब वो कार और तेज चलाने लगती है। केविन फेस्टिवल में वैंडी की सिस्टर को ढूंढ लेता है लेकिन वो उससे दूर भाग जाती है। इतनी ही देर में वैंडी भी वहां पर पहुंच जाती है और तभी कुछ बॉयज एक हॉर्स के पीछे फायर क्रैकर्स को जला देते हैं जिसकी वजह से वो भागने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी वैंडी की सिस्टर के गले पर लिपट जाती है और वो उसे भी अपने साथ घसीटने लगता है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है, तभी केविन उस रस्सी को काट कर उसे बचा लेता है। अब क्योंकि केविन ने यहाँ पर भी उसकी डेथ को चीट कर दिया था और अब बारी थी उसकी फ्रेंड की, लेकिन वो काफी देर कर देती है और उसकी उस फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है और अब मरने की बारी आती है केविन की, लेकिन वैंडी यहाँ पर उसे बिल्कुल ठीक वक्त पर बचा लेती। अब क्योंकि केविन भी बच गया था और अब बारी थी वैंडी की और इतनी ही देर में वहाँ पर इयान भी पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक कार जो कि अनस्टेबल थी उसमें से बहुत सारे फायरवर्क्स उनकी तरफ आ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उससे बच जाते हैं। लेकिन वो फायरवर्क एक चेरी पिकर पर गिर जाता है जिसकी वजह से वो इयान के ऊपर गिर जाता है और वो क्रश हो जाता है। अब यहाँ पर उल्टी चीज ये हो गई कि उस चेरी पिकर की वजह से वैंडी ने मरना था क्योंकि उस चेरी पिकर के ऊपर मिकिनली लिखा हुआ था, लेकिन इयान उसके रास्ते में आ गया और उसने उसे आगे जाने नहीं दिया तो वो मारा गया क्योंकि वैंडी के बाद उसी की बारी। इसके बाद हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम वैंडी को देखते हैं जो कि एक बस में कहीं जा रही थी और तभी बस में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, जिसकी वजह से वैंडी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जिस कैरिज में थी उसका नंबर 081 था, इसे उल्टा करके 180 बन जाता। उस बस में उन सब लोकेशंस के पोस्टर लगे हुए थे जहां पर उसके फ्रेंड्स मरे थे, लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो शायद उसके लिए कोई वार्निंग या क्लू हो सकता है। अब उसे जिस स्टॉप पर उतरना था वो उससे पहले वाले स्टॉप पर ही उतर जाती है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि फिर से कुछ होने वाला है। जब वो उस बस से उतरने लगती है तभी उसे उसकी सिस्टर भी वहां पर मिल जाती है और सिस्टर के अलावा केविन भी उसे वहां पर मिल जाता है। वो तीनों एक ही बस में मिल जाते हैं और तभी वो बस ट्रैक से उतर जाती है। तब सबसे पहले वैंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और सबसे लास्ट में वैंडी मरती है। और तभी यहाँ पर वैंडी की आंख दोबारा से खुल जाती है, वो होश में आती है। तब वो देखती है कि वो उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था, यानी उसने दोबारा फिर से एक बार फ्यूचर देख लिया था। और यहाँ पर वैंडी समझ गई थी कि उन तीनों को मारने के लिए डेथ का उनके लिए एक बहुत ज्यादा स्मार्ट प्लान है। उसकी फेस रीडिंग को पढ़ के वो दोनों भी उसकी दिल की बात को समझ जाते हैं, यानी कि अब उनकी मौत भी ज्यादा दूर नहीं है। और वो ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता और वो तीनों मर जाते हैं और उनकी डेथ के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।